डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने विचार आप सबके समक्ष रखने के लिए आपने मुझे बुलाया है, तो उसका आप प्रोफेसर आनंद मिश्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी, जो मेरे से पहले अपना वक्तव्य रख चुके हैं, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरा काम काफी हल्का कर दिया है और मुश्किल भी कर दिया है, क्योंकि विषय इतना बड़ा है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर अपने विचार रखते हुए मेरा कार्य काफी आसान कर दिया है। ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वर्धा प्रोफेसर शुक्ला जी, आपको भी प्रणाम। मैं यहाँ पर पनीर सेल्वम सर को देख रही हूँ और साथ ही साथ आलोक जी भी जुड़े हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनको कि मैं जानती हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, इन सबको भी मेरा प्रणाम। विषय गहन है, और वो इसलिए भी कि जब हम गांधी जी की जन्म तिथि को देखते हैं, तो नियर अबाउट आफ्टर 153 इयर्स ऑफ गांधीज बर्थ and 74 years after Gandhi's death, we are talking about Gandhi. और जब हम गांधी जी के बारे में बात करते हैं, तो एक विषय जिसके ऊपर ध्यान बहुत ही कम academic circles में गया है, या जिसकी तरफ हमें ज्यादा ध्यान आकर्षित भी we should pay more attention is कि गांधी को बनाने में आश्रम व्यवस्था या उनके द्वारा जो established आश्रम्स हैं, किस तरह की भूमिका निभाई है, और ये जो आश्रम्स हैं, क्या इनकी रेलिवेंस इन अ वे, क्या गांधी जी के विचारों की जो रेलिवेंस है वो आज भी है या नहीं। तो इस प्रश्न को आपके सामने उपस्थित करते हुए उनके द्वारा बनाए गए चार मुख्य आश्रम जो हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हुए किस तरह से गांधी जी के विचारों का इवोल्यूशन होता चला गया है, इसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगी। ये मेरा पहला प्रयास है गांधी जी को आश्रम के दृष्टि में समझने का, तो अगर आपकी तरफ से कोई टिप्पणी रहेगी तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। अगर हम गांधी जी को देखें, उनके कार्य को देखें, तो ये पता चलता है, ये ज्ञात होता है कि उनके जो कार्य हैं वो कई बार उन्होंने माइक्रो लेवल से शुरू करते हुए मैक्रो लेवल तक लेकर गए। ये जो माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल एक्सपेरिमेंटेशन जिसे हम कह सकते हैं, ये इन्होंने शुरुआत की थी आश्रम्स में। तो चाहे वो फिनिक्स सेटलमेंट हो, या टॉल्स्टॉय फार्म हो, या फिर साबरमती हो, या फिर सेवाग्राम हो, तो इन आश्रमों में उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है उसकी भी उन्होंने शुरुआत की थी। एक तरह से हम इसको गांधीयन मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं। और चूंकि हम रेलिवेंस की बात कर रहे हैं, मुख्य विषय ये है, तो ये रेलिवेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है, और उनकी क्रिएटिविटी इस बिंदु पर जाकर पहुंची है कि जहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा we can find a very beautiful way of coming together. और ये किस बात का coming together यहाँ पर है? तो instead of establishing a political party office, we find that he is establishing an ashram. And this ashram is creative, this ashram is different, this ashram is new, and at the same time, it also has blend of traditional to it, because there are certain aspects of Indian philosophical roots which are practiced in this ashram. अगर आज की टेक्नोसावी भाषा में कहा जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो एक स्टार्टअप की तरह ही था गांधी जी का, और ये जो स्टार्टअप है ये बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप रहा बोथ इन साउथ अफ्रीका एज वेल एज इन इंडिया। अब जब हम उनके बारे में और देखो, अब इन आश्रम में मुख्य बिंदु क्या, तो व्हेन यू लुक एट द एंटायर पर्सनालिटी ऑफ गांधी, तो कहीं ना कहीं जो बात हम सामने उभर कर आती है वो ये है कि इसमें उन्होंने दो चीजों के ऊपर बहुत महत्व दिया था, एक है संयम और दूसरा है स्वशासन, दैट इज वेयर देयर इज पेशेंस,
where there is self-restraint, and at the same time where there is self-confidence also. And not only self-confidence, self-discipline also. And this is something which again becomes very relevant in the present times. कि अगर हमें पूछा जाए कि हमारी एक एक कोई परियोजना का सक्सेस क्या है, या हम क्यों अपने जीवन में सफल हो सकते हैं या असफल हो रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि क्या हम सही में संयम और स्वशासन, इन दो बिंदुओं को साथ में लेकर अपने जीवन को चला रहे हैं या नहीं चला रहे, अपने देश को चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स इतने सिंपल है, लेकिन साथ ही साथ वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि समझना आसान हो जाता है लेकिन उसको प्रैक्टिस में लेकर आना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वो हम देखते हैं क्योंकि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, दैट इज इन बोथ द लाइफ, देयर वाज नो डिफरेंस एज फार एज हिज पर्सनल एंड हिज पब्लिक लाइफ वाज कंसर्न्ड, इट वाज टोटली ट्रांसपेरेंट। तो इन दोनों जीवनों में हम ये नोट करते हैं, हमें ये पता चलता है कि वे अपने आप को बहुत ही सेल्फ लिमिटेड कैरेक्टर जो है उनका इसमें दिखाई दे जाता है। और यहाँ पर जब हम उनके स्कॉलर्स ने जिन्होंने इसके ऊपर कुछ कार्य किया है, तो इन स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो आश्रम इन्होंने स्थापित किए हैं, ये राजनीति के एक प्रमुख तत्व के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। Now the question which I have already tried to answer, ki how is Gandhi's ashrams different from the traditional ones? Aisa kya tha unke ashram mein jo ki traditional ashram se alag the? Aisi kaun si baat hai jo ki hum dekhte hain ki wo ekdam ek alag roop jo hai hamare samne ubhar kar aata hai? To traditional ashram ke baare mein jab hum baat kare, that is jo paramparagat ashram hai, jo ki hamare shastri Hindu dharma ke jo ashram hai, to uske andar hum dekhte hain ki वहां पर एक तरह का गृहस्थ जीवन का त्याग करके और फिर अंतिम वास्तविकता जो है उसका अनुभव करने के लिए ये आश्रम व्यवस्था, आश्रम जो है उसमें जाकर लोग रहा करते थे। लेकिन पारंपरिक आश्रम की तरह ही गांधी जी ने भी अपने जो आश्रम स्थापित किए थे, वे समुदाय वे शहरी भाग से दूर जाकर उन्होंने स्थापित किए थे। So they were away from the civilization, they were away from the urban areas. लेकिन उसके साथ ही यहाँ तो ये आ गया सिमिलैरिटी, लेकिन डिफरेंस ये आ गया कि उसके साथ ही साथ वे इन आश्रम के द्वारा आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, इन दोनों की खोज के लिए इस आश्रम की स्थापना की गई थी। So this is something which I find very, very important. और हम यहाँ पर एक और बात देखें कि अगर पहला उनका आश्रम तो नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ फिनिक्स सेटलमेंट, फिर टॉलस्टॉय फार्म। तो जिस तरह से उनके विचारों की उत्क्रांति होती है, जब वे साबरमती में आते हैं, तब साबरमती में उनके विचारों के इवोल्यूशन के अनुसार वी फाइंड कि वहां पर जो वो स्थापना करते हैं, ही गिव्स द टाइटल आश्रम टू साबरमती, सो इट बिकम साबरमती आश्रम। और इस साबरमती आश्रम को ये नाम देना, उसको अपनाना, ये एक तरह से हम देखते हैं कि ये आत्मशासन पर उनका जो जोर है उसको वो दर्शाता है, दैट इज वी टॉक अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। और साथ ही साथ इट आल्सो एम्फसाइजेस एज टू हाउ इन द नियर फ्यूचर दिस आश्रम्स कैन आल्सो हेल्प इन गेटिंग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, सो टू से। और ये जो आश्रम्स हैं या ये जो सेटलमेंट्स हैं या ये जो प्लेसेस हैं, ये एक और केंद्र बिंदु बन जाते हैं, और वो है सर्वोदय का। तो सबसे पहले जब हम फिनिक्स सेटलमेंट की बात करें, तो गांधी जी ने जब फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी, तो उस समय में उन्होंने ये प्रयोग किए थे। एंड ये फिनिक्स सेटलमेंट एक तरह से उनकी फिलोसफी को एक्चुअलिटी में लेकर आने का प्रयोग था, कि उनके जो विचार हैं, उनका जो दर्शन है, क्या उस दर्शन को हम एक्चुअलिटी में लेकर आ सकते हैं कि नहीं। एंड व्हाट वाज हिज थॉट प्रोसेस? हिज थॉट प्रोसेस वाज अबाउट इक्वालिटी बिटवीन ऑल ह्यूमंस। हिज थॉट प्रोसेस वाज अबाउट दैट देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एंड हिज थॉट प्रोसेस वाज अबाउट हाउ पीपल कैन वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वैच्छिक आत्मनियंत्रण, साथ ही साथ आत्म बलिदान, दैट इज सैक्रिफाइस, इसके ऊपर भी उन्होंने काफी जोर दिया था। और गांधी जी की जो सार्वभौमिक कल्याण की जो भूमिका है या जो दर्शन है,
वो भी यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सेटलमेंट्स का या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, आश्रम कह लीजिए, ये इसका एक केंद्र बिंदु बन गया था। और जब हम इसके बारे में आगे लाइक यू नो व्हेन वी थिंक मोर डीपली इनटू इट, तो ये जो फिनिक्स सेटलमेंट है इसके अंदर वहां जो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट है उनके साथ गांधी जी का जो संघर्ष हो रहा था, उस संघर्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है फिनिक्स सेटलमेंट बन गया था। और यहाँ पर ही उन्होंने सबसे पहले अपना जो वर्तमान पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र जो है इंडियन ओपिनियन, उसकी शुरुआत की। तो हियर वी फाइंड दैट गांधी बिकम्स अ जर्नलिस्ट आल्सो। हियर वी फाइंड दैट गांधी गेट्स इनटू द रोल ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉट ओनली हिज वॉइस बट द वॉइसेस ऑफ अदर्स आल्सो। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली हम देखते हैं कि जिस तरह से इंडियन ओपिनियन है उसी तरह से यंग इंडिया और फिर इसी तरह से हरिजन, इस तरह के भी जो पत्र हैं इनकी शुरुआत या इनका प्रकाशन जो है वो गांधी जी करवाते हैं। इसी समय में जब फिनिक्स में, फिनिक्स सेटलमेंट में थे, तो तभी उन्होंने जॉन रस्किन का अनटू द लास्ट पढ़ा था। और ये जो अनटू दिस लास्ट है इसका गहरा प्रभाव हम सभी को ज्ञात है कि गांधी जी के ऊपर काफी रहा। और 1904 में वह आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और इस सिलसिले में वह एक प्रयोग जो है इस सेटलमेंट में उन्होंने शुरू करते हैं। और यहाँ पर वह जेरेमी बेंथम का भी बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं। तो जेरेमी बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म है इस संदर्भ में भी वह उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जहां पर कि वो कहते हैं कि कैन वी रियली थिंक अबाउट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एज एन आइडियल ऑफ समथिंग टू बी अटेन्ड एंड समथिंग टू बी अचीव्ड। और फिर वहां पर वह सर्वोदय की बात कहते हैं। अब यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है वो ये है कि गांधी जी यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, और अदर ही वांट्स टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय बीइंग हैप्पी और व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय बीइंग कंटेंट। एंड ओवर हियर यहाँ पर जो एक लाइक यू नो व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम द 21st सेंचुरी पर्सपेक्टिव, तो हमें पता चलता है कि एक तरह से गांधी जी एक पहले एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर भी अपनी बात हम सबके समक्ष रख रहे हैं। वो उस समय में एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में बातचीत नहीं थी, वो तो 1970 के बाद का विषय है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही इस बात की उनको भनक लग गई थी कि अगर ये इसी तरह से मटेरियलिज्म की दौड़ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ रही, तो एक समय रहेगा कि जब हमारे लिए ये सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और इस विचार को जहां पर कि आई कोट हिम, वे कहते हैं, पश्चिम के लोग आमतौर पर मानते हैं कि सुख समृद्धि यानी सबसे बड़ी संख्या को बढ़ावा देना मनुष्य का कर्तव्य है। सुख का अर्थ केवल भौतिक सुख अर्थात आर्थिक समृद्धि माना जाता है। यदि इस सुख की खोज के नैतिक नियमों का उल्लंघन होता है तो कोई बात नहीं। फिर चूंकि वस्तु संग्रह करना सबसे बड़ी संख्या, वस्तु का बड़ी संख्या में संग्रह करना खुशी का मापक है, तो पश्चिम के लोग इस बात को बुरा नहीं मानते हैं, गलत नहीं मानते हैं कि अगर अल्पसंख्यक में लोगों को तकलीफ देकर इस सुख को पाया जा सकता है। अब जब इस पर्टिकुलर कोट को हम आज की दृष्टि से देखें, इन टूडेज पर्सपेक्टिव व्हेन वी ट्राई टू पुट इट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो ये दिस वर्ड्स बिकम सो ट्रू। क्योंकि आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग या आज जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं, वी कैन रादर से दैट इट्स रियली बिकमिंग टू लेट फॉर अस। अभी दुनिया में आप सब जगह पर देखें, एवरीवेयर वी आर ट्राइंग टू फाइट द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अभी हाल ही में फ्लोरिडा में ही कल की ही बात है कि जब जहां पर हम देखते हैं कि तूफान आयान जो है वो आ चुका है, या फिर हम हमारे देश में ही देख लें कि किस तरह की कठिन परिस्थितियां आ चुकी हैं। तो इन सब में गांधी जी के जो विचार है ये यहाँ पर इट बिकम्स ऑल द मोर रेलिवेंट। और जैसे कि मेरे से पहले जो वक्ता है उन्होंने बहुत ही सही तरीके से कहा कि नेचर प्रोवाइड्स फॉर एवरी पर्सन नीड बट नॉट फॉर एवरी पर्सन ग्रीड। एंड अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं
वो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के जो आइडियल्स हैं उसके साथ मेल खाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो अगर सस्टेनेबल एसडीजीज के बारे में बात करें, जो इसको कि हम अटेन करना चाहते हैं 2030 तक, एंड वापस इसके ऊपर बहुत चिंतन हो रहा है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स अनदर थिंग, रादर दैट इज अवर क्वेश्चन एट अनदर प्लेस। बट एट द सेम टाइम जरूरत ये है कि गांधी जी के लिए नहीं, उनके विचारों के लिए नहीं, लेकिन कम से कम हमें अपने खुद के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं तो भी हमें ये समझना है कि आपके और मेरे जो निर्णय हैं वो हमारे लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बहुत बड़ा, लेकिन इट्स गोइंग टू क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन इट। इसी तरह से जब गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर वे ग्राम गणतंत्र या विलेज रिपब्लिक, बेसिकली उनका पूरा जो आइडियल था वो इस तरह से था कि किस तरह से विलेज रिपब्लिक को हम उसको बड़े पैमाने पर रेप्लीकेट कर सके। हाउ कैन वी ब्रिंग द विलेज रिपब्लिक इन टू एक्शन एट अ हायर लेवल, एट अ बिगर लेवल। तो उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे विचार, उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। और यहाँ पर ही फिर वह स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, स्वराज्य के बारे में बात करते हैं, फिनिक्स सेटलमेंट से ही शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात या फिर एक बहुत ही अलग बात जो यहाँ नजर आती है कि गांधी जी के जो स्वराज्य की बात है वे उस समय के अन्य राष्ट्रवादी भारतीय राजनेता जिस तरह से स्वराज को डिफाइन कर रहे थे उस तरह से गांधी जी यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। इनकी जो स्वराज की संकल्पना है उसका जो लेवल है, उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो पैराडाइम है, उसका जो एरिया है वो काफी काफी विस्तृत है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि वे स्वशासन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस वह ये भी कहते हैं कि जहां पर वह व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज को स्वशासन के रूप में समझने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं, वहां पर वह इसके ऊपर बल दे रहे हैं। और जब हम ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप पर वो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बल दे रहे हैं, तो यहाँ पर वह सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता का ही बात नहीं कर रहे हैं, वह इसको अनेक एरिया में, अनेक क्षेत्रों में लेकर जाते हैं। तो चाहे फिर वह डायट्री एक्सपेरिमेंट्स हो जाए उनके, चाहे वो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड उनके एक्सपेरिमेंट्स हो जाए, चाहे फिर वो पॉलिटिकल एरिया में उनके एक्सपेरिमेंट्स हो जाए, तो सब जगह पर आप उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। और गौर करने की बात ये भी है कि इन एक्सपेरिमेंट्स में वे महिलाओं को अनदेखा नहीं करते हैं। राइट फ्रॉम जब वो यहाँ पर जोहान्सबर्ग में थे तब से हम देखते हैं कि महिला सत्याग्रही जो है वे भी उनके साथ उनके कार्यों में शामिल होती थी। इनफैक्ट यंग इंडिया 1927 में एक आर्टिकल है उनका लिखा हुआ, और वो इसलिए मैं यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहती हूँ क्योंकि जो पर्दा प्रथा है उसके विरुद्ध उन्होंने एक आर्टिकल, उसके विरुद्ध उन्होंने एक लेख लिखा था। और इस पर्दा प्रथा के विरुद्ध वे बहुत ही, ही मेक्स इट वेरी अपेरेंट दैट दिस पर्दा सिस्टम इज नॉट समथिंग विच वी हैव टू टेक इट विद ग्रेट प्राइड, इट इज वेर इन वी आर ट्राइंग टू सब्जुगेट द वेमेन एंड वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल देम। And this particular article becomes all the more relevant when we try to understand Gandhi's views in contrast to what's happening in Iran at the present moment. जब हम वहाँ पर जो situations, वहाँ की political situations हो रही हैं, वहाँ पर जो social changes आने की, ये जो लोग सड़कों पर उतर आ गए हैं, तो in the background of that, this article of Gandhi, this article of Gandhi which was published in Young India 1927, tear down the parda, ये शीर्षक है, that becomes all the more important. इसके साथ जब वो दूसरे यहाँ पर चलकर लाइक फिनिक्स सेटलमेंट में रहने के बाद 1906 गांधी जी ने ब्रह्मचर्य शक्ति, फिर वे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया फार्म के बाद उन्होंने जब डिसओबीडियंस के लिए जेल में बंद जो अन्य सत्याग्रही हैं उनके संदर्भ में वे काफी विचार विमर्श करते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स तपस्या, इसका
फार्म साबित हो जाता है। और यहाँ पर जो 8 साल तक जो संघर्ष चल रहा था वहां की गवर्नमेंट के साथ, साउथ अफ्रीकन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ का जो संघर्ष चल रहा था, जो मुकदमे चलाए जा रहे थे, तो उसमें इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ टॉल्स्टॉय फार्म दैट गांधी वॉज एबल टू गेट लॉट ऑफ सक्सेस। एंड वाई द रीजन फॉर दिस इज कि 1100 एकड़ में फैला हुआ ये जो फार्म है, इसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों को रहने की व्यवस्था थी, वहां पर ही खेती बाड़ी की जा रही थी। तो लोगों के जो इमीडिएट प्रश्न रहते हैं कि अन्न वस्त्र और अन्न वस्त्र की जो समस्या है, घर की जो समस्या है, उन सारी समस्याओं का समाधान जो है हम देखते हैं कि टॉल्स्टॉय फार्म में मिल गया था। और इस वजह से जो सत्याग्रही थे और उनमें जो अनुशासन की बात हो रही थी, वो अनुशासन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। तो और साथ ही साथ इन अनुशासन से ही हम सर्वोदय के बारे में भी बात करते हैं, जहां पर कि वे अहिंसक साधनों का उपयोग किया जाता है और जहां पर कि सिर्फ टॉल्स्टॉय फार्म के लोगों की भलाई का ही विचार नहीं किया गया है, लेकिन विश्व के नागरिकों के लिए, मानवता के लिए यहाँ पर सर्वोदय का जो विचार है वो सबके समक्ष रखा जाता है। और more importantly, like, you know, Gandhiji talks of doing sacrifice. And so what is this sacrifice? क्योंकि समय कम है, paucity of time है, तो बहुत सारी चीजों में बहुत डिटेल में नहीं जाया जा सकता है। But again, it is the sacrifice of the base in us and it is also the sacrifice of the materialistic in us. तो ये दोनों जो sacrifices हैं, इसके ऊपर भी गांधी जी बहुत जोर देते हैं। और सिर्फ जोर देते हैं ऐसा नहीं है, because as his autobiography states, it's my experiments with truth, and then again his truth, his experiments doesn't take place in a vacuum. It takes place in a community living. It takes place with everyone else in the ashram. So that also becomes important कि जहाँ पर वैसे स्वयं के प्रति ही या स्वयं not only him as a person but others also are involved in the experiments, because experiments cannot become successful when it is concerned only with one person. It can become successful when there are others also, because you have to understand the success of the experiments when it is done vis-a-vis the other person or others in the society. 1915 में जब वे साबरमती में आते हैं, तो यहाँ पर जब वो साबरमती में आश्रम स्थापित करते हैं, तो आश्रम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस आश्रम में वे 11 अनुष्ठानों की बात करते हैं, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो अनुष्ठान उनके लिए है वह है सत्य। और वे कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, दैट इज ट्रुथ इज गॉड। इसका फिलोसॉफिकल एनालिसिस भी बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकता है, लॉजिकल एनालिसिस हो सकता है, एपिस्टेमोलॉजिकल हो सकता है, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है कि गांधी ने ट्रुथ इज गॉड ये शब्द का प्रयोग क्यों किया है, एंड व्हाई डिड ही चेंज हिज स्टैंड फ्रॉम गॉड इज ट्रुथ टू ट्रुथ इज गॉड। इसके पीछे की उनकी जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, उसको अध्ययन करने के लिए या उसके बारे में बातचीत करने के लिए अलग से एक घंटा, कम से कम मिनिमम 1 आवर का तो भी टॉक होना चाहिए किसी विद्वत जन का यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई डिड गांधी चेंज द स्टैंड फ्रॉम ट्रुथ गॉड इज ट्रुथ टू ट्रुथ इज गॉड। आत्म नियंत्रण और आत्म बलिदान के सिद्धांतों का समावेश हम यहाँ देखते हैं कि गांधी जी ने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए भी लागू किया था। और इसी तरह से एक और बात जो यहाँ पर उभर कर आती है, यहाँ पर हमारे सामने दिखाई देती है, और वो है, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, 1930 का दांडी सत्याग्रह। और दांडी सत्याग्रह इसलिए लेना चाहूंगी कि गांधी जी जब 1915 में भारत वापस आ गए थे और जब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, साथ ही साथ उन्होंने ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स का जो है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन किया था, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइजेशन किया था, लेकिन जब वे साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारों में कहीं ना कहीं तो भी बदलाव आया है। और वह बदलाव किस तरह का है, और कई बार दैट इज हम दांडी मार्च के बारे में बात करते हैं, दांडी यात्रा के बारे में बात करते हैं, लेकिन आश्रम जो है उसने केंद्रीय भूमिका निभाई थी इस दांडी नमक सत्याग्रह में। अवेन किस तरह से, तो यहाँ पर ये सोचने की बात है कि गांधी जी ने यहाँ पर उन्हीं लोगों को अपने साथ लिया था जो कि सत्याग्रही थे,
जो कि उनके आश्रम में उनके साथ कार्य कर रहे थे, जो कि वो डिसिप्लिन, दैट इज गांधी जी हैड स्टेटेड देयर आर सर्टेन डिसिप्लिन्स ऑफ अ सत्याग्रही एंड अ सत्याग्रही हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अ सत्याग्रही हैज टू फॉलो ABCD एंड ओनली इफ दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन अ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ सत्याग्रही। तो साबरमती आश्रम में उन्होंने अपने साथियों का चुनाव किया था। और यहाँ पर जो बात सामने हमारे आती है कि हाउ डज इट बिकम डिफरेंट, तो एक दशक पहले गांधी जी ने उन नागरिकों से जिन्होंने अहिंसक नागरिक प्रतिरोध, लेकिन जब हम रोलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं, 1919 में जब रोलेट बिल के बारे में बात की जाती है, तो उन्होंने लोगों से कहा था कि आप एक सांकेतिक उपवास रखिए और साथ ही साथ आप उसका प्रार्थना के दिन के तौर पर भी यू हैव टू ऑब्जर्व इट। लेकिन वहां हम देखते हैं कि अगेंस्ट द रोलेट एक्ट कई शहरों में हिंसा भड़क उठी थी और गांधी जी ने उस सत्याग्रह अभियान को स्थगित कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो है ये मेरा हिमालयन ब्लंडर रहा है। और वे हिमालयन ब्लंडर क्यों उन्होंने कहा, उन सत्याग्रहों के लिए क्यों कहा, क्योंकि वे ये मानते थे, उनका ये मानना, जब वो साबरमती में आ गए तो उनका ये मानना हो गया कि जो लोग सिर्फ पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के लिए अपने आप को सत्याग्रही कह रहे हैं लेकिन जो अपने जीवन में इसका एक्चुअली में पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनसे आप एक अनुशासन की जो अपेक्षा है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब वे दांडी मार्च के बारे में बात करते हैं, नमक सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं, तो वे अपने गिने चुने लोगों को लेकर वो नमक सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। और दूसरी एक अच्छी, लेकिन व्हेन यू रीड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ सॉल्ट मार्च, तो एक और बात जो ध्यान में आ जाती है कि एक तरह से आश्रम जो है वो अपने वो सड़कों पर लेकर आ गए थे। आश्रम दैट इज द स्पेस के बारे में जब हम बात करें, सो वेन वी लुक एट द स्पेस ऑफ द आश्रम, इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम अहमदाबाद, इट वॉज ब्रॉट आउट इन द ओपन। एंड वेन वी स्पीक ऑफ दिस आश्रम बींग आउट इन द ओपन, देर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इट, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर बींग कॉट इन इट। तो एक तरह से ये एक ऐसा सोशल एक्सपेरिमेंट उनका किया गया था जिसकी विच वॉज एक्नॉलेज वर्ल्ड वाइड ओवर, एंड नॉट ओनली एक्नॉलेज बट इट ऑल्सो हेल्प द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सर्वोदय में जब हम इसके बारे में और डिटेल में विचार करें और फिर इसके बारे में और बात करें, तो सर्वोदय की गांधी की अवधारणा में वे स्वयं को बलिदान करने और सभी के उत्थान के लिए कष्ट सहने की इच्छा जो है वह केंद्रीय है। और इसमें हम देखते हैं कि गांधी जी जो है माइक्रो लेवल पर काम करते हैं, सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं, और फिर ये भी कहते हैं लोगों से, लेकिन फॉर एग्जांपल जब है फिनिक्स सेटलमेंट की बात हो रही है, तो वहां पर से लोगों को जब पानी में, कुएं में से पानी निकालने की बात होती थी, तो दिस पीपल, दोस पीपल इन द फिनिक्स सेटलमेंट, दे वुड बी टॉर्चर्ड, दे वुड बी लुक डाउन अपॉन। तो गांधी जी उन लोगों से आग्रह करते थे, उनके अपने जो आश्रम वासी हैं उनसे वे आग्रह करते थे कि ये जो दुर्व्यवहार है इसको आपको सहन करना पड़ेगा। और यहाँ से लेकिन जस्ट सी फ्रॉम हाउ द माइक्रो लेवल नाउ इट हैज कम टू द मैक्रो लेवल, कि जहाँ वे अपने साथी नागरिकों को कारावास में जो भी हो रही यातना है उसको सहन करने के लिए वे आग्रह करते हैं। तो फ्रॉम अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, फ्रॉम अ माइक्रो लेवल टू द मैक्रो लेवल, वी फाइंड दैट हाउ द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ गांधी इन हिज आश्रम टेक्स प्लेस। साबरमती आश्रम जो उन्होंने छोड़ा था, तो फिर उसके बाद वह 2 वर्ष तक ग्रामीण भारत में घूमते हुए उन्होंने बिताए थे। और फिर उसके बाद वे आए वर्धा में, और वर्धा में आने के बाद उन्होंने वर्धा को सेवाग्राम आश्रम को अपना होम बेस बना लिया था। और इस होम बेस में उन्होंने यहाँ से बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स की शुरुआत की, साथ ही साथ महिलाओं से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत की, साथ ही साथ नई तालीम, क्योंकि आजकल हम जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बात करते हैं और जब हम नई तालीम को भी देखते हैं और कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, तो इसमें हमें बहुत सारे कॉमन बिंदु जो है वो हमें इसमें दिखाई दे जाते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर इसमें दिखाई देते हैं। एंड देन वी फाइंड दैट गांधी जो है वर्धा आश्रम में या साबरमती सॉरी सेवाग्राम आश्रम में, यहाँ पर वे अपने और भी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो करते हैं। यहाँ हमें एक और फर्क दिखाई देता है, और वो फर्क है कि गांधी जी किस तरह से अहिंसा को डिफाइन करते हैं।
पॉसिबल समय की कमी की वजह से आई वुडंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन देयर इज अ वीक सेंस ऑफ अहिंसा एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अहिंसा व्हिच इमर्जेस ओवर हियर. एंड अगेन देयर इज वन मोर डिस्टिंक्शन व्हिच कम्स ओवर हियर, और वो डिस्टिंक्शन ये है कि जहां गांधी जी पहले सभी को बहुत आग्रह करते थे कि यू शुड पार्टिसिपेट इन एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ हम देखते हैं कि गांधी जी जो है वो पहले स्व के बारे में ज्यादा बात करते हैं, या rather he talks about his individual experiments on a greater scale. तो जब हम और इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी जी ने यहाँ से ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जो बात है वो सेवाग्राम आश्रम से की है, और एक तरह से जब हम उनका पूरा ये आश्रम के बारे में चिंतन करें तो वी फाइंड दैट द यंग गांधी एंड द गांधी हु ग्रोज देयर इज अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस. एंड यहाँ पर फिर रेलिवेंस की बात आ जाती है, क्योंकि विषय अपना है रेलिवेंस का कि हाउ डज ही बिकम रेलिवेंट टू अस. तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि गांधी जी कदम कदम पर ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उनका काफी होता था, अब एंड वो जो उनका इनर कॉन्शियंस है वो उनका काफी मजबूत काफी स्ट्रॉन्ग था, और इस इनर कॉन्शियंस से वे काफी, क्योंकि एक दिन तो वो मौन का रखते थे और उस मौन के दिन में वे स्व से तो बहुत सारी वार्तालाप करते ही करते थे, बट एट द सेम टाइम देयर वुड बी लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड लॉट ऑफ करेक्शन ऑल्सो ऑफ द सेल्फ विच वुड टेक प्लेस. अगर गांधी जी को समझना है, इंडिविजुअल लेवल पर समझना है, हम उनको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं वो समझना है, तो उनका जो जीवन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट पंचुअलिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम, व्हेन यू टॉक अबाउट, हम मेरे पहले के जो स्पीकर है उन्होंने संवाद के बारे में बात किया, तो जब आप संवाद की बात करते हैं तो वहां पर भी गांधी जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. अभी ये जब आश्रम के बारे में बात हो रही है तो मैं अपने अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के लिए कुछ सवाल रखकर अपने बात को खत्म करना चाहूंगी, और वह इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं. और प्रश्न ये है कि यू हैव बीन नीड टू आस्क, हैव द आश्रम्स ऑफ गांधी बीन रिड्यूस्ड टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रेलिक, क्या ये आश्रम जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अवशेषों तक ही सिमट कर रह गए हैं, क्या आश्रम ने आश्रम वासियों को आत्मसंयम का अभ्यास करने और पथ पर चलने के लिए मदद की, क्या उनकी आध्यात्मिक मुक्ति हो पाई है, क्या आश्रमों में गांधी के साथी निवासियों ने काम करना अपना जीवन का मिशन बना लिया था, क्या गांधी जी के मृत्यु के बाद भी क्या ये मिशन चल रहा है, क्या आश्रम के जीवन ने समाज की सीमाओं के परे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद की, नॉट ओनली एट दिस टाइम बट इवन इन द फ्यूचर, क्या आश्रम के किए गए प्रयोगों का राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी सफलता, लेकिन व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ द सक्सेस ऑफ इट, सो डिड द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड इन द आश्रम गॉट ट्रांसलेटेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड व्हाट वाज इट्स सक्सेस क्वेश्चन. सो दिस इज सम फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई थैंक डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर, एंड maybe announce, because my students ask me, can we follow Gandhi? And I have a simple answer. We need not follow Gandhi. Let us be true to our own self, and that's more than enough. So with these words, I thank you and pranam. समझाया आश्रम तो हम लोग जब भारतीय दर्शन आरंभ करते हैं पढ़ना, उसी समय हम वर्णाश्रम का अध्ययन करना आरंभ कर देते हैं, और सामान्यतया चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसके बारे में पढ़ते हैं और इसका विभाजन किया गया है जीजी विशेष शतम समाह के आधार पर. लेकिन गांधी के विचारों में ये बहुत विलक्षणता मुझे समझ में आती है. आपने आश्रमों के संदर्भ में आत्मसंयम की बात कही है, तो और प्रत्येक आश्रम में आध्यात्मिकता ही प्राप्तव्य है कि आध्यात्मिकता के लक्ष्य को हम प्राप्त करें. तो गांधी इस मामले में मुझे बहुत विलक्षण लगे कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य की बात कही है,
उन्होंने ये कहा कि अपनी स्त्री के प्रति एक निष्ठता, जब मैं पढ़ रही थी तो बड़ा रोचक मुझे लगा कि ये एक निष्ठा अपरिहार्य तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता यहाँ पर ये है कि आप स्त्री को किस दृष्टि से देखते हैं, एक वस्तु के रूप में देखते हैं या एक सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं। और यदि आप सम्माननीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो आप एक आध्यात्म की ओर उन्मुख एक गृहस्थ कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। तो एक इस नजरिए से मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ कि गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन और आध्यात्मिक उसका प्राप्तव्य हो, उसका उद्देश्य हो। अब इसके आगे हमारे कार्यक्रम की परिणति जो है वो अगली श्रृंखला के रूप में अध्यक्ष उद्बोधन के रूप में होगी। और क्या किन्हीं प्रश्नों की अपेक्षा है? मैम, आई वुड लाइक टू आस्क, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, आई वाज टू एक्साइटेड अबाउट आस्किंग दिस क्वेश्चन, प्लीज अलाउ मी इफ यू कैन। Rajan, be very brief about it. Be very brief because we are actually running short of time, I guess. Actually, this is an open-ended question and I was so much confused about it because every person interpret Gandhi in a different manner. अभी लास्ट ईयर एक लेक्चर हुआ, प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी ने लेक्चर दिया, रजनी शुक्ला जी ने कंक्लूड किया दैट गांधी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न थिंकर, सो आई एम टोटली कंफ्यूज्ड अबाउट इट, हु वाज एक्चुअली गांधी, अ मॉडर्न, अ अल्ट्रा मॉडर्न, अ पोस्ट मॉडर्न, अ मैन ऑफ रेनेसा और अ मैन ऑफ स्कॉलिस्टिक ट्रेडिशन और अ प्लूरलिस्ट पर्सन, एंड इफ ही वॉज अ प्लूरलिस्टिक, वॉट काइंड ऑफ प्लूरलिस्ट ही वॉज, whether he follows the disjunctive pluralism or the conjunctive pluralism, और ये claim हर philosopher पे लगाया जाता है that कि उस philosopher ने clarity नहीं थी, उसके ideas में clarity नहीं थी, तो क्या हम गांधी को की कोई explicit position रख सकते हैं in terms of classification of the history, whether he was a modern or a post-modern or a ultra-modern or a scholastic tradition, क्योंकि हम उस गांधी जी के जो दर्शन है उसमें सब जी की झलक देख पाते हैं, we find a vision in his philosophy, we find criticism of modernity, we find localism in his in his ideas, we find the idea of Raj. Thank you. Thank you Rajan for your question and very well asked question. So basically what happens na Rajan ki every generation tries to interpret Gandhi from their own perspective. So when we look at the generation immediately after Gandhi, they would say that, okay, he was a practical idealist. Or a generation which has come after postmodernism, they will try to understand him from a postmodernist perspective. And that's the reason why you may find it to be very confounding and confusing at the same time. However, what you need to understand and you need to remember is that rather than trying to bracket Gandhi in a particular format, it's essential that you understand the core of his philosophy and the value system that he emphasizes upon and how this value system becomes, this value system is a universal value system that he is expounding upon. And whether this value system can be replicated, this value system can be followed, can it be pursued by us in the modern times? So don't go into the various kinds of isms that are being propagated, that are being stated in front of you. Remember to be away from those kind of confounding definitions and concepts that are being presented. Understand the philosophy and understand the person. And that will help us in a more better way. Thank you, Rajan. बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की सीमा है विद्यार्थियों, आप समझ सकते हैं। क्या एक प्रश्न और लेने की स्थिति में है? संभवतः नहीं, क्योंकि मैं एक छोटा सी टिप्पणी करना चाहता हूँ छुट्टी जी, अगर इजाजत हो तो। आलोक जी आप आ गए, नमस्ते। नहीं, नमस्ते, मैं हूँ बाकायदा शुरू से हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अंतर ध्यान था, आपकी बातें सुन रहा था, तो मैं छोटी सी टिप्पणी ये करना चाहता हूँ कि आश्रम के अंदर जो गांधी हैं, उनके यहाँ रचनात्मक कार्यक्रम और जिसको हम पॉलिटिकल गांधी कहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं।
और हम ये पाते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी ने कभी नहीं माना कि ब्रिटिशर्स से राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना ही हमारे स्वराज का उद्देश्य है। उनका उद्देश्य एक नया समाज बनाना था, तो इसलिए वो रचनात्मक कार्यक्रम पर भी उतना ही जोर देते थे जितना कि अपने राजनीतिक आंदोलनों और स्ट्रेटजीज को। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो दोनों पहलू थे एक दूसरे से कट गए, और स्थिति ये आई कि जब सांप्रदायिक दंगे हुए, हमने सुना है गुजरात में, तो गांधी के साबरमती आश्रम वालों ने अपने दरवाजे बंद कर, जबकि ये वही गांधी थे जो जो आलोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा एक आग्रह है, हमारे आज की संगोष्ठी के अध्यक्ष आचार्य रजनीश शुक्ल जी, थोड़ा उनके उनका अगला कार्यक्रम है, आसन्न है, तो हमें इस कार्यक्रम को संपन्न करना होगा। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पे सभी लोग विचार करें कि आखिर ऐसा क्या है कि गांधी का जो ये दो पक्षीय कार्यक्रम था वो एक पक्षीय रह गया और आज हम एक पक्षीय भी नहीं रह गया। जी जी, हम पुनः इस पर विचार करेंगे, और मैं अब अगले अपने अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु, इस संगोष्ठी के अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मैं आचार्य रजनीश शुक्ल जी को आमंत्रित करती हूँ। एक छोटी सी बात मैं कह करके इसकी भूमिका बना कहना चाहूंगी। पिछले दिनों मैंने हजारी प्रसाद शुक्ल जी को पढ़ा, तो एक स्थान पर वो कह रहे थे, बात क्रम से जो है वो संस्कृति सभ्यता की तरफ बढ़ रही है, कि जब एक बुद्धिमान व्यक्ति चलता है तो वह प्लुतन करता हुआ नहीं चलता, मेढक की भांति नहीं चलता है, बल्कि जब वह सभ्यता रूपी एक कदम आगे बढ़ाता है तो संस्कृति रूपी दूसरा कदम वो जमाए रहता है, और इसी सभ्यता और संस्कृति रूपी पाद प्रक्षेपण से उसकी विकास यात्रा बढ़ती है। तो मेरा आग्रह होगा कि सामान्यतया हम जैसा कि पढ़ते हैं आए हैं, सुनते आए हैं, मैं आचार्य रजनीश शुक्ल जी से इस संदर्भ में आग्रह करूंगी कि वो सभ्यता के संदर्भ में गांधी के विचारों पर अगर कुछ कहें तो हम अनुग्रहित होंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। दो बड़े अध्येताओं और विशेषज्ञों के व्याख्यान के बाद मेरे जैसे आदमी को क्या कहना चाहिए मालूम नहीं, उस पर से डॉक्टर श्रुति ने थोड़ा मुझे बांध भी दिया, ये अलग कठिनाई है। यद्यपि मैंने यह माना था इस प्रकार के अकादमिक कार्यक्रमों की अध्यक्षता करने से आसान धरती पर कोई काम नहीं होता, हम करते भी है, जिसके पास जिसको कराने के लिए अकादमिक कार्यक्रमों में कोई काम नहीं होता हम उसको चेयर करा देते हैं। मैं इसी रूप में लेकर के चल रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि एक अध्यक्ष के रूप में किसी विषय पर केंद्रित करके भी व्याख्यान करना। तथा दूसरी बात स्पष्ट करूंगा, बात कितनी मैं कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। 4:30 पर मुझे एक दूसरे कार्यक्रम के लिए जाना है, वर्धा में हूँ और गांधी जयंती की पूर्व संध्या है, स्वाभाविक तौर पर कुछ काम अपने भी में आ ही गया है। तो एक 10-15 मिनट में कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए ये विषय थोड़ा सा इस दृष्टि से भी अच्छा है कि राजन ने नमिता जी से एक सवाल करते हुए मुझे उद्धरित करके कहा था कि मैं गांधी को पहला पोस्ट मॉडर्निस्ट मानता हूं, और सभ्यता के उसी आलोक पर मुझे डॉक्टर श्रुति ने बात करने के लिए भी कहा है। मैं जब इस बात को कह रहा हूं तो एक बात को समझना कि गांधी जी कोई समाज वमाज नहीं बनाना चाहते थे। समाज शब्द का प्रयोग करते हुए सिर्फ मनुष्यों के अंतर संबंधों के आधार पर मिलने वाली किसी रचना की बात होती है। गांधी जब स्वराज की बात हिंदू स्वराज में कर रहे हैं तो एक विशिष्ट विश्व दृष्टि की बात कर रहे हैं, एक विशिष्ट सभ्यता की विश्व दृष्टि की बात कर रहे हैं। गांधी 30 वर्ष बाद 39 में
महादेव देसाई से चर्चा करते हुए हिंद स्वराज्य के अपने विचारों की सफलता के बारे में जब मूल्यांकन कर रहे हैं अपना, तो कह रहे हैं पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हिंद स्वराज्य में मैंने जो कुछ भी लिखा है उस पर आज भी मैं कायम, उसकी प्रत्येक पंक्ति पर कायम हूं, प्रत्येक शब्द पर कायम। हाँ, यह अलग बात है कि मेरे सारे यत्नों के बाद हिंद स्वराज्य की जो अवधारणा थी उस अवधारणा को अभी मैं लोगों को समझा नहीं पाया। अब हिंद स्वराज्य में जिस सभ्यता की आलोचना गांधी ने की है, उसके बारे में उन्होंने कोई छिपा करके तो बात नहीं कही है। वो स्पष्टता के साथ ये कह रहे हैं कि पश्चिम से एक सभ्यता की आंधी आ जा रही है जो स्वभाव में ही राक्षसी है। अब राक्षसी होने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य को काट करके हड्डिया में पका करके खाने वाला राक्षस होता है, या गांधी कुछ और कह रहे हैं? तो स्पष्टता कह रहे हैं कि एक ऐसी सभ्यता आ रही है जो अपनी ऐंद्रिक आवश्यकताओं की, अपने समकालीन मनुष्य की ऐंद्रिक आवश्यकताओं की, अपने समूह की ऐंद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी करने को तैयार है या कर रही है। ये शेष विश्व को जो जिसको वो अपने से इतर मानता है, अन्य मानता है, उसको उसकी जीवन प्रणाली को नष्ट करने वाली है। गांधी जब ये बात कर रहे थे, गांधी दक्षिण अफ्रीका से भी परिचित है, गांधी अमेरिका से भी परिचित है, गांधी पूरे अफ्रीका से परिचित है, गांधी लैटिन अमेरिकी देशों से भी परिचित है, गांधी हिंदुस्तान से भी परिचित है। किस प्रकार से इन देशों में जो सभ्यताएं थी, जो जीवन प्रणाली थी, सहज स्वाभाविक रूप से वहां की भाषा, वहां के भूमि के संगात के द्वारा वहां के मनुष्य ने विकसित किया था, उसको निगल गई थी। और गांधी की समझ इस मामले में बहुत स्पष्ट है। अब्राहमिक रिलीजन्स ने भी बहुत दुनिया का नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी सभ्यताओं को नष्ट किया, लेकिन उनकी मूल भित्ति को वो नहीं नष्ट कर सके, क्योंकि उनकी उनकी ग्रासिता की क्षमता, उनकी निगल जाने की क्षमता सीमित थी। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद जो जीवन प्रणाली विकसित हुई, जिसे बाद में मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में, मॉडर्निटी के रूप में पूरी दुनिया में आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, वो सर्वग्रासी थी। वो पूरब पश्चिम, यूरोप के पूर्व और पश्चिम जिधर भी गई, उधर की मूल सभ्यता को उसने समाप्त कर दिया, मूल जीवन प्रणाली को समाप्त कर दिया। गांधी को पूरी दुनिया का परिचय प्राप्त करने के बाद भारतीय सभ्यता दृष्टि पर एक विश्वास बनता है कि अगर यह अपने पैरों पर खड़ी हो और भारत का जनमानस इसको स्वीकार करे, तो पश्चिम से बह रही राक्षसी सभ्यता दृष्टि को रोका जा सकता है, अन्यथा यह सबको पागल बना देगी। प्रथम विश्व द्वितीय विश्व हिंद स्वराज्य के लिखने के बाद आते हैं। और उसके जो कारण थे, दुनिया के इतिहास को इस दृष्टि से बदलने वाले थे, इसके पहले जितने भी बड़े युद्ध दिखाई दे रहे थे इतिहास में जिस रूप में प्रस्तुत हो रहे थे, वो सब पांथिक कारणों से थे। प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध दो बड़े ऐसे युद्ध आए थे जिसमें पांथिकता कारण
जिसमें सभ्यता की रचनाएं कर रहे हैं, वो राज्य होगा, साम्राज्य होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में उत्पादन और वितरण के तरीके भी बड़े कारण के रूप में थे, उत्पादन और वितरण के आधार के तरीकों के आधार पर संपत्ति की व्यक्ति के अधिकारिता और समाज की अधिकारिता के विभाजन के आधार पर दो खेमे द्वितीय विश्व युद्ध में बनते हुए दिखाई देते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो ये धरती इस लड़ाई में लंबी रही है जिसमें पांथकता कोई कारण नहीं थी। पांथकता का युद्ध चल रहा, अब भी चल रहा, लेकिन पांथकता के उस युद्ध में गांधी 1909 में ही धर्म और अधर्म की लड़ाई की बात करते हैं। हिंद स्वराज्य गांधी की धर्म दृष्टि का अभिलेख है, गांधी की धर्म दृष्टि वस्तुतः एक सभ्यता दृष्टि है। इसलिए 1921 में 22 मई 1921 गुजराती नौजियन में गांधी लिखते हैं कि मैं राम राज का अर्थ स्वराज करता हूं, धर्मराज समझता हूं और लोकराज समझता हूं। 1923 में वो जाकर के कहते हैं कि रामराज शब्द से किसी को आपत्ति है तो मैं इसको धर्मराज ही कहूंगा। 1925 में वह एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि रामराज बिना स्त्रियों की सहभागिता के नहीं हो सकता है। अब ब्रिटिश संसद में समान मताधिकार स्त्रियों को 1927 में प्राप्त होता है, गांधी की चिंता वहां भी है। '17 में भारत में प्राप्त हो गया था, इसलिए भारत तो कारण नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक सहभागिता की, राजनीतिक समानता की बात करें और राजनीतिक समानता को ही सभी प्रकार की समानताओं के मूल में जो दृष्टि देख रही थी उस दृष्टि से तो यहां नहीं बात आती है। लेकिन गांधी का प्रश्न सहभागिता का, विशेष करके राजनीतिक सहभागिता का, स्त्री सशक्तिकरण के प्रश्न, वह संपूर्ण सभ्यता में जो स्त्री की स्थिति है उसको लेकर के है। इसलिए गांधी सभ्यताओं के युद्ध के खिलाफ है। राज्यों के युद्ध की अपेक्षा जब सभ्यताएं लड़ती हैं तो ज्यादा विप्लव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी गांधी खिलाफत करते हैं, और हम ये समझ सकते हैं कि उस समय गांधी जो खिलाफत कर रहे हैं वो खिलाफत इसलिए कि वो आजादी का आंदोलन को लड़ रहे हैं। गांधी प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ है। तो वह इसलिए नहीं है गांधी द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ, बल्कि सभ्यता ने पहली बार मशीन के सामने मनुष्य को युद्ध में भी कमजोर साबित किया है। पहली बार मनुष्य के नाश के इस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ जिससे लड़ाई से धरती खत्म हो जाएगी इसकी संभावना है ना, जिसकी परिणति अंत में हिरोशिमा और नागासाकी के बम ब्लास्ट में आई। गांधी सभ्यता जनित तकनीक के परिवर्तन और तकनीक के परिवर्तन के आधार पर मनुष्य के नाश के उपकरणों के विकास की गति को देख रहे थे।
अब जब बटन दबाने मात्र से उंगलियों उंगली के पुरवे हिलाने मात्र से यह सृष्टि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, इस प्रकार की परिस्थिति आई हो, तो यह किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं रोका जा सकता है। यूएनओ जैसी राजनीतिक व्यवस्था से भी नहीं रोका जा सकता। और उसकी असफलता के किस्से तो अभी हम यूक्रेन रूस युद्ध में ताजी 3 दिन में हुई घटनाओं के आलोक में देख सकते हैं। क्योंकि गांधी मानते हैं कि पागलपन की सभ्यता ही ऐसी है जो मनुष्य विरोधी है, मानवता विरोधी है। इसलिए गांधी एक अहिंसा पर आधारित सभ्यता की बात करते हैं। और गांधी कहते हैं कि 1939 में कहते हैं कि सत्याग्रह पर थोड़ा विश्वास तो बढ़ा है लोगों का, लेकिन अहिंसा भारत के लोगों ने अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। अन्य व्रतों की तो बात छोड़िए, जब तक अहिंसा भारत के अंदर भारतीय मन का स्वभाव बन करके नहीं आता है, तब तक हिंद अपने स्वराज पर, अपने स्वबोध पर, स्वधर्म पर खड़ा नहीं हो सकता और हिंद स्वराज वाला नहीं हो सकता है। ये 39 में वो कह रहे हैं जब आजादी की निर्णायक लड़ाई उसके एक दो वर्षों बाद छेड़ते हैं गांधी। वस्तुतः गांधी को 2-3 दृष्टियों से अलग करके समझना पड़ेगा। गांधी स्वराज के बारे में एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि स्त्रियों की सहभागिता के बिना अगर स्वराज आ गया भारत में तो वह निकम्मा स्वराज्य होगा। वह स्वराज गांधी इस दृष्टि से मनुष्य में जन्मना जाति व्यवस्था के भी विरोधी है, स्वराज में जाति व्यवस्था नहीं होगी। अब जाति व्यवस्था कोई भारतीय मजबूरी नहीं है, यह रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म के आधार पर सभी प्रकार से जातीयता का भाव, यह एक वैश्विक स्वभाव। वस्तुतः गांधी एक ऐसी सभ्यता के पक्षधर है जिसको सही अर्थों में राम राज कहा जाए और वह प्रथमतः अहिंसा पर आधारित होगी। जब अहिंसा पर आधारित कोई सभ्यता दृष्टि बनेगी तो उसमें मनुष्य के विजय के उपकरण और साधन क्या होंगे, तो उसके लिए एक आदर्श उतरता है। तो गांधी एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जो 400 वर्षों में मनुष्य का दिमाग जिसने बदला है, अंतर वैयक्तिक संबंधों को बदला है, मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों को बदला है, मनुष्य और अन्य प्राणियों के रिश्तों को बदला है और सर्वत्र वैर भाव की, प्रतियोगी की, प्रतिद्वंदिता की, विरोधिता की दृष्टि विकसित की है, उसको समाप्त करते हुए सच्ची अहिंसा जो वैर भाव त्याग पर आधारित है वो कैसे बनेगी। और गांधी ने अपने आजादी के आंदोलन की लड़ाई में ब्रिटिशर्स के साथ वैर भाव का त्याग करते हुए भी अपनी आजादी की लड़ाई और दूसरों की भी आजादी की लड़ाई, ये कैसे लड़ा जा सकता है, गांधी ने इस प्रयोग के आधार पर दिखाया। बड़े स्तर पर गांधी के प्रयोग में हमें
असफलता जैसा दिखेगा जब हम जड़ता में गांधी को लेते हैं, गांधी को ये समझ रहे हैं कि वो खाली व्यक्ति निर्माण का एक आश्रम व्यवस्था खड़ा कर रहा है। वस्तुतः गांधी समाज निर्माण की एक प्रक्रिया के अध्येता के रूप में आश्रमों का प्रयोग कर रहे हैं, और नमिता जी ने लंबी उस पर चर्चा की है। पर एक बात स्पष्ट है, गांधी जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं और जमनालाल बजाज से भी वर्धा में बातचीत करते हुए गांधी ने इसी बात को कहा था, जो महादेव देसाई के साथ कहा था वही जमनालाल बजाज के साथ भी कहा था कि हिंदू स्वराज्य को कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई है। थोड़ा बहुत सत्याग्रह अहिंसा की बातें लोग करने लगे हैं, लेकिन अभी भारत के लोगों का मन इस पर जमा नहीं है। वास्तविक अहिंसक समाज की निर्मिति करनी पड़ेगी। वास्तविक अहिंसक समाज की निर्मिति मशीनीकरण के आधार पर मनुष्य का कल्याण हो सकता है, यांत्रिकता के बहुतर विस्तार के द्वारा मनुष्य जाति की कल्याणकारी सभ्यता निर्मित हो सकती है। गांधी इसके खिलाफ है। गांधी न तो मशीन के खिलाफ है, न विज्ञान के खिलाफ है, न तकनीक के खिलाफ है। मनुष्य के मन को मनुष्य की बुद्धि को मशीनों पर आश्रित करने वाली मनोवृत्ति के खिलाफ है। मनुष्य की अपेक्षा मशीन को अधिक कल्याणकारी मानने वाली दृष्टि के खिलाफ है। संपूर्ण औद्योगिक सभ्यता का विकास इसी आधार पर हो रहा है, सारे मनुष्य के लिए अधिकतम सुख के साधन उपलब्ध कराने हैं, इसलिए प्रकृति का शोषण और मशीन के द्वारा अधिकतम उत्पादन करके ही हम आपूर्ति को ग्लोबल सप्लाई चेन बनाए रख सकते हैं। आज ग्लोबल सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए गए उन तर्कों के मूल पर गांधी ने प्रहार किया था। मैं गांधी को जब पोस्ट मॉडर्निस्ट कहता हूं तो उसको मिशेल फुकुयामा ने जिस संदर्भ में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रयोग किया है उसमें लेने की जरूरत नहीं है। वो मॉडर्निज्म की कोख से निकली हुई एक व्यवस्था को, एक समाज दृष्टि को, एक जीवन प्रणाली को पोस्ट मॉडर्निज्म के रूप में ले रहे हैं, लेकिन गांधी आधुनिक सभ्यता की मूल मान्यताओं पर आक्रमण करते हुए, अगर सेकुलरिज्म भी वह आधुनिक सभ्यता की मूल मान्यताओं में से एक है, तो उसको भी दरकिनार करते हुए, इसीलिए मैं कह रहा हूं रामराज्य, धर्मराज्य और लोकराज्य, इन तीनों को एकार्थी अर्थों में जब गांधी प्रयुक्त कर रहे हैं मैं एक थोड़ा अनुरोध करूंगा, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं उस समय आप आपस में उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे तो मेरी दृष्टि उधर जाएगी और मैं विचलित हो रहा हूं। और मैं 2-3 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। वस्तुतः गांधी की सभ्यता, गांधी की दृष्टि एक ऐसी सभ्यता की स्थापना की जो अहिंसा पर आधारित, तो इसमें कोई संशय नहीं। अब यह अहिंसा पर आधारित सभ्यता बनेगी कैसे, तो इसके लिए पहले यह मानना ही पड़ेगा, स्वीकार ही करना पड़ेगा कि मशीनें मनुष्य की उपकारक भूमिका में हो सकती है लेकिन मनुष्य का विकल्प नहीं हो सकती है। मशीनें मनुष्य के कल्याण के लिए उपकरण के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं, लेकिन मशीनों की अधिकारिता में, इन द हेजमोनी ऑफ द मशीन्स, हम मनुष्य कल्याण की व्यवस्था नहीं निर्मित कर सकते हैं। वस्तुतः
ये मॉडर्निटी की दो तीन मूल अवधारणाओं पर चोट है, विशेष करके दो अवधारणाओं पर विशेष रूप से चोट है। एक तो साइमन की सोसाइटी इज एन इंटरप्राइज, समाज एक उद्यमिता है, इस पर चोट पहुंचाता है, तो दूसरी तरफ डार्विनियन इवोल्यूशन थ्योरी पर भी चोट पहुंचाता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा पर भी चोट पहुंचाता है। गांधी की सभ्यता दृष्टि अहिंसा पर इसलिए जोर देती है कि यह दुनिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा को अगर स्वीकार करती है और बायोलॉजिकल क्रीचर का जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन श्रेष्ठ की ही उत्तर जीविता पर है, तो इसमें मनुष्य के लिए मशीनें अन्य मनुष्यों के दास के साधन के रूप में और मशीन की क्षमता है वह अन्यों की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है और केवल मात्र उसकी उत्तर जीविता होगी। इस उत्तर को गांधी के आलोक में देखना पड़ेगा, तब हम 21वीं शताब्दी की वास्तविक चुनौतियों के आलोक में गांधी को देख सकेंगे, क्योंकि गांधी पूरे पश्चिम की सभ्यता के आधार पर, मैं इसी बात को सवाल को खड़ा कर रहा था कि आखिर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, साइंटिफिक टेंपर की सोसाइटी, मैन क्रिएटेड नेशनलिज्म, इन सब की अवधारणाएं जिस यूएसए से उपजती हैं, उसमें करोड़ों लाल काले लोगों का क्या हुआ? अफ्रीकी महाद्वीप में उनकी भाषा का, उनकी आस्था का, उनकी जीवन प्रणाली का क्या हुआ? लेटिन अमेरिकी देशों में उनकी जीवन प्रणाली, उनकी आस्था प्रणाली का क्या हुआ? और करोड़ों करोड़ लोग कहां गए? ये प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध में थोड़ी मारे गए थे, केवल अमेरिका में करोड़ों लोगों की जो 200 वर्षों में हुई हत्या है वो लगभग 2-2.5 करोड़ के आंकड़े अब तो आ गए। गांधी इस आधुनिकता की सभ्यता के खिलाफ खड़े हैं और इसको राक्षसी सभ्यता कहते हैं, और इस पर जोर देते हुए वो चर्चिल को भी कहते हैं, विंस्टन चर्चिल, मैं आपकी भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। गांधी का हिंद स्वराज्य, गांधी की स्वराज्य दृष्टि मनुष्य मात्र की आजादी की दृष्टि है और एक स्वतंत्रता की, मुक्ति की, सभ्यता की निर्मिति है जो पिछले 100 वर्षों के प्रयोग में आधुनिकता के बाय प्रोडक्ट के रूप में आई हुई सभी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक विचारणाओं में असफल साबित हुई है। वह मनुष्य की मुक्ति की, मनुष्य मात्र की मुक्ति की कोई व्यवस्था निर्मित नहीं कर सके हैं। मनुष्य मात्र की मुक्ति की व्यवस्था को ही गांधी राम राज्य कहते हैं, और ये राम राज्य कहते हुए गांधी जब तुलसी को ध्यान में ले आते हैं तो हमको भी ध्यान में लेना चाहिए। भौतिकता की समृद्धि का लंका से बड़ी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके दरोदीवार भी सोने की है, और उसके विरुद्ध लड़ रहा राम, पैदल राम, नंगे पांव राम, कुछ उत्तर देता है राक्षसी सभ्यता के बीच पले बड़े वापस आए विभीषण को। ये युद्ध देख करके भय लगता है कि ये इतने सारे आधुनिक आयुधों, इतनी बड़ी ट्रेंड सेना, शील्ड्स के साथ रावण लड़ने आया है और राम रथ विहीन है, और ये सोच करके विभीषण, चूंकि उस सभ्यता से आया है, उसे इन उपकरणों का पता नहीं है, अहिंसा के उपकरण, सद्गुण के उपकरण, मानव कल्याण के उपकरणों का, सत्य, स्नेह, सील, सौख्य, जिन्हें हम धर्म के रूप में कहते रहे हैं, इससे परिचय नहीं है विभीषण का। तो वो कहता है कि कैसे जीतेंगे,
उसका उत्तर जो राम ने दिया था उसी उत्तर को गांधी हिंद स्वराज्य में 20वीं शताब्दी की भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं और वही स्नेह शील सौख्य औदार्य अहिंसा करुणा आर्जव सत्य इत्यादि गुण हैं जिन गुणों पर आधारित सभ्यता और उस सभ्यता के लिए योग्य मनुष्यों का निर्माण उसके लिए आग्रही मनुष्यों का निर्माण उस पर सत्यनिष्ठ मनुष्यों के निर्माण का जो यत्न किया जाएगा यह मनुष्य की आजादी का वास्तविक अनुभव। इसके बीच यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि वर्तमान व्यवस्था के युद्धों के गांधी उस रूप में विरोधी नहीं है तो प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ गए, द्वितीय विश्व युद्ध में वह अंग्रेजी व्यवस्था का जो समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन जापान के विरुद्ध कर रहे हैं क्योंकि गांधी को लगता है कि हम भारत के ब्रिटिशर्स की गुलामी से मुक्त होकर के और जापानियों की गुलामी में कहीं फंस न जाए। ये गांधी ने वर्धा में बहुत साफ एक 9 जुलाई 1942 को एक बड़ा लेख भी लिखा है। 14 जुलाई 1942 के वर्धा प्रस्ताव में भी उसका उल्लेख आया है और उसके बाद भी भारत की आजादी के आंदोलन में जो कुछ हो रहा है उसके पक्ष में गांधी किस प्रकार खड़े हैं उसको भी ध्यान देना। लिलिथिगो को चिट्ठी लिखते हुए क्या कह रहे हैं, लिलिथिगो को चिट्ठी लिखते हुए कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन में हिंसा हो रही हुई है, अराजकता हो रही है, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, बातें सब सही है लेकिन इसके लिए भारतीय जिम्मेदार। देखो इसमें भी कहते हैं कि आंदोलन मेरा नहीं है, ये तो जनता का आंदोलन है, मेरा आंदोलन तो सविनय अवज्ञा का आंदोलन था। लेकिन यह जो आंदोलन हो रहा है, ये जो चल रहा है इसके लिए जिम्मेदार है भारतीय नहीं है, आपके राज व्यवस्था ने भारतीयों को इस स्थिति में ले आ दिया है कि उनके लिए अब इस ढंग से आपके प्रतिरोध में खड़े होने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। गांधी इसी बात को कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति है उसके संदर्भ में भी दोहराते हैं और भारत के द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही को जायज ठहराते हैं। अतः गांधी की अहिंसा को राजनैतिक अहिंसा और राजव्यवस्था निर्मिति की अहिंसा के रूप में समझने की जो गलती हम भारतीयों ने भी की है उससे मुक्त होना पड़ेगा। गांधी आधुनिक सभ्यता की मूल हिंसक प्रवृत्तियों का, वो प्रकृति के प्रति भी हिंसक है, अन्य मनुष्य के प्रति हिंसक है, अन्य प्राणियों के प्रति हिंसक है और संपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए तथा हिंसक बनती है, उसके विरुद्ध एक दैवी सभ्यता की बात गांधी हिंदू स्वराज्य में करते हैं, एक मानवीय सभ्यता की बात हिंदू स्वराज्य में करते हैं। 21वीं सदी की चुनौतियां इस प्रकार के मानवीय सभ्यता की निर्मित की है। कोरोना के कालखंड में बात दुनिया भर में खड़ी होने लगी थी लेकिन महामारी गई और हम इतना दास हैं मशीन के और आधुनिक सभ्यता के दुष्परिणामों के कि उससे परे सोच नहीं सकते हैं और वो सब कुछ जो कोरोना के पहले चल रहा था बदस्तूर जारी होने लगा है। मैं सिर्फ उदाहरण देना होगा इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती पर कि ओजोन लेयर को बताने के लिए अर्थ सबमिट करने की एक परंपरा हमने बना ली और आयोजक सबसे पहले अर्थ सबमिट में इस बात का प्रतिरोध करते हुए दिखाई देते हैं कि हम अपने नागरिकों के जीवन स्तर को 1% भी कम करने को तैयार नहीं है। ये जीवन स्तर वस्तुओं के उपभोग का जीवन स्तर है, जीवन को गुणवत्ता बनाने का जीवन स्तर नहीं है। गांधी जीवन को गुणवत्ता युक्त बनाया जाए, श्रेष्ठ बनाया जाए और वस्तुओं के उपभोग में मनुष्य को सीमित किया जाए, इस जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं वो आधुनिक सभ्यता से ठीक उलट है। इसलिए गांधी दुनिया में पहले पोस्टमॉडर्निस्ट हैं जो आधुनिकता की कोख से
उत्तर आधुनिकता की उत्पत्ति के बजाय आधुनिकता के संपूर्ण चिन्हों के खात्मे से नई सभ्यता की निर्मित की बात करते हैं। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, मैंने काफी देर कर दिया है, इतना मुझे न तो बोलने का समय था न बोलना चाहिए था आपको 92 अच्छे व्याख्यानों के बाद, तथापि मन का लोभ मैं संवरित नहीं कर पाया, अपनी बात को यही पूरा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, आपने मेरे आग्रह का मान रखा। और उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में जिस प्रकार से गांधी की व्याख्या की वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है, और इन सारी बातों का सार ये है, साधन और साध्य वाली बात, कि मनुष्य जो है वो हमेशा साधन है, साध्य है, साधन नहीं है। तो विज्ञान की उन्नति भी हो, उपकरण भी हो, तो वो सिर्फ मनुष्य की सिद्धि के लिए हो, न कि मनुष्य के ऊपर अधिरूढ़ता के लिए। और इसी क्रम में बैठे बैठे कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही थी, और इसके बाद कार्यक्रम की अगली श्रृंखला हेतु मैं अपने सहभागी को आमंत्रित करूंगी। तो तू कालो दधि का महातुंग, तू कालो दधि का महातुंग, आत्मा के नभ का तुंग केतु बापू, बापू तू मर्त्य अमर्त्य, स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु, तेरा विराट यह रूप, तेरा विराट यह रूप, कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। तो प्रासंगिकता के संदर्भ में हम जितनी भी बात कहें वो हमेशा अधूरी ही रहेगी, अपूर्ण ही रहेगी। तो इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला के रूप में मैं डॉक्टर राजिबा को आमंत्रित करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन के द्वारा परिपूर्णता प्रदान करें, और उसके बाद फिर हम राष्ट्रगान से इसको संपन्न करेंगे। Firstly, pranam to all professors and teachers from online mode and offline mode, and I extend my love to all the research scholars and students, friends. Firstly, I would like to thank to our chairperson of the seminar on behalf of the department. Thank you, sir, for accepting our invitation and making us enlightened through your wisdom. So thank you so much, sir. And on behalf of the department, I thank to the speaker of the seminar or speaker of the study circle who talked about a vibrant topic. His the central point of his talk was crisis of humanity, and he has provided certain reasons behind that. These are crisis of self-realization, crisis of self-knowledge, crisis of understanding, and also self-consciousness. He argues that if we think that Gandhi is relevant in this modern era, the reason behind that is nothing but all these factors. And then thank you so much, sir, for accepting our invitation and enlightening us through your wisdom. And then I would like to thank the guest of honor who added some important point like ashram system, and she highlighted certain factors behind that system, that is society, politics and religion, and some other factors.
and she argues that ashram system of Gandhi is living today. That means in this present era we are following either indirectly or directly, but it's existing. Therefore Gandhi is so much relevant. And then I'd like to thank our HOD because he is so important factor of this study circle, which always inspiring us to continue this academic activity, because this is giving us many things which can use in our life, and we can make us our life so fruitful, and some extent the society will be so good. We can think for a just society through this lens. And then I'd like to thank our coordinator who organized this very, or convener we can say, who organized this study cycle or this talk very fruitfully. And then we, on behalf of the department, would like to extend our heartiest thanks to the participants from offline and online, like Professor Paneer Selvam, sir. Thank you so much, sir, for spending us your valuable time and making us the seminar so fruitful. And then Sam Shiva Prasad, sir, D.A. Gangadhar, sir, G.P. Das, sir, Mark Dayovesky, sir, Vipin Pandey, Jayant Upadhyay, Anil Tiwari, Alok Tandon, Vinod Rai, Rajan, and all the participants. As we know, we consider the academicians, the audience of the seminars are so important, because without them, the speaker cannot speak and forget about what will happen later. Therefore, thank you all. Thank you so much. Now it's over to our convener of the seminar. Yes. ठीक है, तो अब ये हमारी संगोष्ठी का समापन है, और शायद इनको कहने में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो अनुदान है उसके द्वारा ही संपूर्ण संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं क्रमशः नियमित रूप से. तो बहुत बहुत धन्यवाद ICPR भी. और इसी क्रम में इस संगोष्ठी को विसर्जित करते हुए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े होकर के आप राष्ट्रगान गाएं. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय 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 हे. साथ ही मैंने कुछ नाम दिए थे राजीबा आपको, कुछ विद्यार्थियों के नाम दिए थे जो लगातार यहाँ पर लगे हुए थे. मैं बहुत बहुत उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. आपके सहयोग के बिना राहुल, फ्लोरेंस, वैशाली, पूजा, राजलक्ष्मी और जितने भी डिपार्टमेंट स्टाफ हैं, तो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनके प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद.